सभी माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का राइट हैंड रहे और दो बार के पूर्व विधायक एवं यूपी के टॉप 61 माफियाओं की लिस्ट में शामिल बाहुबली माफिया राजन तिवारी काफी समय से अंडरग्राउंड था और उसके खिलाफ 17 साल पुराने 2005 के एक आपराधिक मामले में गोरखपुर कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा था, जिसको पुलिस ने बिहार से नेपाल भागते समय गोरखपुर पुलिस और एसओजी टीम ने बिहार पुलिस की मदद से रक्सौल के हरैया इलाके से गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस ने राजन तिवारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। कुख्यात डॉन शिवप्रकाश शुक्ला का साथी एवं बिहार के गोविंदगंज के पूर्व विधायक माफिया राजन तिवारी पर अभी और सिकंजा कसेगा। एडीजी जोन अखिल कुमार के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिकंजा के तहत गोरखपुर पुलिस राजन पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में लगी हुई है। राजन की संपत्तियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए राजस्व विभाग से भी राजन की बेनामी संपत्तियों की रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस को सूचना मिली है कि राजन तिवारी ने बिहार के अलावा गोरखपुर में काफी अधिक रुपए इन्वेस्ट किए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि राजन की गोरखपुर में कोई भी संपत्ति अपने नाम नहीं है, बल्कि राजन ने शहर के कई कॉन्वेंट स्कूलों और प्रॉपर्टी में अपने रुपए अपरोक्ष तौर पर लगाए हैं। ऐसे में अब पुलिस उससे जुड़ी सभी घोषित और अघोषित संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है, ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। दरअसल राजन तिवारी का नाम यूपी के टॉप 61 माफियाओं के लिस्ट में शामिल है। बावजूद इसके पुलिस उसे लेकर अब तक पूरी तरह से लापरवाह बनी रही। पुलिस की लापरवाही और मिलीभगत का खेल सामने आने के बाद अब इस मामले की मॉनिटरिंग सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रही है। ऐसे में पुलिस खुद को सेव करने के लिए अब माफिया पर सिकंजा कसती जा रही है। यही वजह है कि राजन के गोरखपुर जेल जाने के 24 घंटे के बाद ही अचानक शुक्रवार की देर रात उसका जेल ट्रांसफर कर दिया गया। राजन को शनिवार की भोर में गोरखपुर से फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब पुलिस राजन तिवारी के करीबियों और उसके जमानतदारों की भी लिस्ट तैयार कर रही है, ताकि उन पर भी सिकंजा कसा जा सके। पुलिस राजन के अन्य मामलों के जमानतदारों पर सख्ती कर उसकी बाकी मामलों में भी जमानत खारिज करवाने की तैयारी में है। राजन के खिलाफ पुलिस की सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस अब राजन तिवारी का सिर्फ घमंड ही नहीं बल्कि उसकी दहशत भी खत्म कर रही है। अब तक राजन तिवारी 50 से अधिक गाड़ियों के काफिला में वॉकी टॉकी और असलहों से लैस प्राइवेट कमांडो के साथ चलते देखा जाता था, लेकिन गुरुवार को रक्सौल से गिरफ्तार कर गोरखपुर लाए जाने के दौरान ही उसके दहशत को खत्म करने के लिए गोरखपुर पहुंचते ही पुलिस ने राजन को यूनिवर्सिटी के पास ही गाड़ी से उतार दिया। इसके बाद यहां से पैदल उसे एक सामान्य मुस्लिमों की तरह कैंट थाने लाया गया। कैंट में लिखा पढ़ी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने पैदल ही कोर्ट में ले जाकर पेशी की। इस दौरान एक सामान्य मुस्लिमों की तरह राजन के हाथ का पंजा अपने हाथों में दबोचे हुए थे। जिस वक्त गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कचहरी तक यह सब कुछ हुआ, उस वक्त इस रास्ते से गुजरने वाले लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। खासकर कचहरी के आसपास रहने वाले लोगों ने राजन तिवारी की वीआईपी पेशी और कोर्ट में हाजिरी का भौकाल भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। करीब 2 किलोमीटर राजन को पैदल चलाकर पुलिस ने सिर्फ राजन को उसकी औकात ही नहीं बताई, बल्कि आम जनमानस में भी उसके खौफ को खत्म करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि राजन तिवारी मूल रूप से गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के सोहगौरा गाँव निवासी की प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर में हुई। युवा अवस्था में राजन तिवारी ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 90 के दशक के माफिया डॉन शिवप्रकाश शुक्ला का सहयोगी राजन तिवारी पर यूपी और बिहार में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। राजन तिवारी का नाम सबसे ज्यादा पहली बार तब चर्चा में आया जब उसे यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले में माफिया डॉन शिवप्रकाश शुक्ला के साथ आरोपी बनाया गया था। इसी घटना के बाद राजन तिवारी यूपी पुलिस के लिए वांटेड बन गया। उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक मामलों में कानूनी कार्रवाई और गैंगवार से बचने के लिए राजन ने बिहार पूर्वी चंपारण को अपना ठिकाना बनाया था। हालांकि साल 2014 में उसे शाही केस से बरी कर दिया गया था। बिहार पहुंचने के बाद राजन तिवारी का नाम बिहार सरकार के मंत्री ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या में आया।
इस हत्याकांड में राजन तिवारी की निचली अदालत से उम्र कैद की सजा भी हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में साल 2014 में पटना हाईकोर्ट से उसे बरी कर दिया गया। वहीं राजन तिवारी बहुचर्चित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक अजीत सरकार के हत्याकांड में भी आरोपी बना। कई सालों बाद पटना हाईकोर्ट ने राजन तिवारी को बरी कर दिया था। इसी केस में पप्पू यादव भी आरोपी थे और सालों तक सजा काटी थी। 15 साल 4 महीने सलाखों के पीछे रहने वाले राजन तिवारी का रसूख कम नहीं हुआ और बिहार में पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज सीट से वह चुनाव जीतकर दो बार बिहार विधानसभा में पहुंचा। जेल जाने से पहले राजन तिवारी ने अपने ऊपर लगे दाग को छुपाने के लिए खादी पहन ली। वह राजनीति में सक्रिय हो गया था। यही वजह है कि जेल जाने से पहले और रिहा होने के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहा। इसके अलावा साल 2004 में वह लोकसभा जाने के लिए भी भाग्य अजमा चुका है। बिहार में राजनीतिक जमीन तैयार करने वाले राजन तिवारी ने 2016 में बीएसपी ज्वाइन की, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ली थी। हालांकि इस पर विवाद होने के बाद पार्टी ने राजन को भारतीय जनता पार्टी से साइडलाइन कर दिया था।